हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ एल्प्स। और मैं हूँ अल्पा पुरी। तो आज फिर से आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। दिल्ली में फाइनली ऐसे लग रहा है कि मॉनसून आ ही गया है, बारिश आना शुरू हो गई है, भले छुटमुटी होती है। तो इस टाइम पे जनरली हमें ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसा खाएं जिससे मज़ा आ जाए। मतलब पकौड़े तो हमेशा ही नहीं खा सकते हम, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। कभी कभी खाना ठीक है। तो यही सब सोच के आज एक अल्टरनेटिव रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करने का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगलेट, एंड दैट टू इन दिल्ली स्टाइल। हाँ जी, ये बेसिकली जो हम चिला बनाते हैं मूंग दाल का, उसी का एक ये यू कैन से इट्स वन टाइप ऑफ चिला ओनली, बट देन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए यहाँ पर लिया है मूँग दाल। ये जो धुली हुई येल्लो दाल होती है, स्प्लिट मूँग दाल, उसको लेना है और उसको आपने 2 से 3 घंटे सॉक कर देना है। ऑफ कोर्स उसको अच्छे से पहले धोना है, फिर उसको सॉक कर देना है। सॉक करने के बाद उसको ड्रेन कर लिया, और ड्रेन करने के बाद उसको मैंने ग्राइंडर में एकदम ही बारीक पीस लिया है और ऐसा बैटर रेडी किया है। पानी बिल्कुल ही ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बैटर थोड़ा सा हम थिक रखते हैं इसका। और उसके लिए बाकी ये कुछ बेसिक वेजेज़ है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है ये एक छोटा ऑनियन चॉप कर लिया है, एक टोमेटो चॉप कर लिया है, ये है कैप्सिकम है ग्रीन, उसको चॉप कर लिया है, ये थोड़ा सा अदरक है चॉप्ड, और 2 से 3 ग्रीन जो हरी वाली मिर्च होती है वो है। तो बस इतने ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स में हम रेडी कर देंगे हमारा मूंगलेट। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि एक तो ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ऊपर से ये हेल्दी भी है, ऊपर से ये टेस्टी भी इतनी लगती है। इनफैक्ट इसको अगर आप जब इसका टेक्सचर देखोगे तो आप इसको मूंग दाल का पिज्ज़ा भी कह के अपने बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि वो उसका वैसा ही लुक आता है। तो बस हमें कुछ ये सब मैंने रेडी करके रख दिया है। ये मेरी दाल है यहाँ पे ग्राइंड की हुई। अब इस दाल में हम ऐड कर देंगे ये हमारे चॉप्ड वेजीज हैं जो, वो सारे ही। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले दाल जो है वो स्प्रेड कर दो पैन में और फिर ऊपर से ये वेजीज डालो, बट ये ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इजी वाला ही मैं अल्टरनेटिव शेयर करूं। तो ये काफ़ी इजी होता है, स्पेशली जो लोग कभी कभी कुक करते हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है जब आप सब कुछ इसी में मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारे ही वेजीज हमने इसमें डाल दिए हैं, हमारे बेसिक वाले ही है ये, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, जो स्पाइसेस में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, 1 टीस्पून जितना जीरा है वो नॉर्मल साबुत वाला जीरा ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। इसके साथ साथ 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, जस्ट टू गिव इट अ कलर टू इट। हमने ग्रीन चिली डाली है, बट रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छा सा इसमें टेस्ट आए, क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी होता है तभी, बारिश के मौसम में तो वैसे ही चटपटा खाना पसंद आता है। तो 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी मसाले हैं वो। और फाइनली सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए भी फ्रेंड्स मेरे पास एक टिप है आपके लिए। आप इसमें या तो 1 टेबलस्पून जितना, क्योंकि ये मैंने दाल जो ली है मेरी 1 कप दाल थी, दाल का क्वांटिटी बढ़ जाता है जब इसको हम पीसते हैं, तो इसीलिए 1 कप दाल लिया है। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना या तो चावल का आटा या फिर जो हमारे पास नॉर्मल बेसन रहता है वो बेसन ऐड कर लेंगे। आज मेरे पास चावल का आटा नहीं है तो मैं इसमें बेसन ही ऐड कर लूँगी। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और साथ में ये क्रिस्पी भी बनता है। तो ये है 1 टेबलस्पून जितना बेसन। अगर आपको जब आप बनाते हैं चीला और आपको लगता है वो ज़्यादा आप मूंगलेट है और ये चीला है, जो भी आप इसको बोले, बेसिकली पैनकेक भी बोल सकते हैं ये मूंग दाल का, अगर आपको लगता है कि आपका बैटर बहुत पतला हो गया है
कई बार ऐसे होता है कि हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो ऐसे हो जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। इसकी रेमेडी यही है कि आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर ले, और उस अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मल सूजी होती है। 1 टेबल स्पून सूजी डालने से भी इसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनेगा, और सूजी जो होती है वो सारा वाटर सॉक कर लेती है, तो उससे जो बैटर है वो भी काफ़ी थिक हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बस ऐसा वाला ही बैटर हमें चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है अपना गर्म करने के लिए। अब हम पैन में बस इसको रेडी करेंगे। अब पैन गरम हो गया है फ्रेंड्स, उसी टाइम पे हमें एक और स्टेप करना है, बट ध्यान रहे कि पैन आपका गरम हो जाना चाहिए उसी टाइम पे आपको ये करना है। यहाँ पे एक छोटा बाउल ले लिया है मैंने, और उसमें मैं सिर्फ एक जो मेरे को मूंगलेट बनाना है उतना ही मैंने ये बैटर मेरा लिया है, और उसमें मैं ऐड करूँगी ये मेरा मैजिक, ये है फ्रूट सॉल्ट है ये, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप उसके बदले बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, बट अगर बेकिंग सोडा आप लोगे तो उसको 1/2 टीस्पून लेना है, बट ये मेरे पास आज था। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही फ्लफ़ी टेक्स्चर आएगा जो हमारी मूंगलेट बनेगी। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसका फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेट होगा इसका मिक्सर वो उसमें रहे, ये जो हमें चाहिए फ्लफीनेस वो हमारे मूंगलेट में अच्छे से रहे। आप देख सकते हो ये हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मेरा पैन एकदम रेडी है। सबसे पहले इस पैन में मैं ऐड करूँगी बटर, ऑप्शनल है अगर आपके पास बटर नहीं है। ये मेरा होममेड बटर है, आप घर का बटर हो तो वो भी यूज़, आप मार्केट का बटर हो वो भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें जाएगा ऑयल, थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना बटर लिया था और उसके साथ साथ मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। तो ये पूरा पैन आप देख रहे हो ये उड़ रहा है, क्योंकि पैन एकदम गर्म सही टेम्परेचर पे हो आ गया है। और इस पे हम सीधा ही जो ये हमारा रेडी बैटर है उसको हम डाल देंगे, पूरा ही एक बारी में, जितने में मैंने इनो डाला था। इसीलिए एक्चुअली इनो डाल के जो फ्रूट सॉल्ट है उसको डाल के आपको इसको रखना नहीं है, रखने से ना इसकी जो असर है इसका कम हो जाता है और वो इफ़ेक्ट नहीं आता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। और अब इसको कवर करके हम होने देंगे, इसको ढक देना है हमें बिल्कुल ही पैन को, और थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है तब तक, क्योंकि इसको अच्छे से कुक करना होगा हमें। आप देख सकते हो इसका थिकनेस है वो जैसे हम उत्तपम बनाते हैं या चीला बनाते हैं उससे काफ़ी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी तो नहीं कहूँगी बट थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस है इसका, ताकि जो पिज़्ज़ा वाला हमें स्ट्रक्चर चाहिए वो टेक्सचर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। अब इसको हम कवर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं स्लो आंच पर, इसको हम 2 मिनट होने देंगे, फिर 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हो एकदम फ्लफ़ी वाला हमारा मूंगलेट हो गया है। इसको हम एकदम हल्के हाथों से एक स्पैचुला की हेल्प से पलट देंगे, और दूसरी साइड भी इसको ऐसे हम होने देंगे। वाओ, आप देख सकते हो एकदम ही अच्छा गोल्डन कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में ही, इतना टेम्प्टिंग है कि इसको एकदम पिज़्ज़ा जैसा ये टेक्सचर है। और अगर बच्चों को खिलाना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए तो बच्चे इसको पिज़्ज़ा समझ के खाएंगे, और ऊपर से बार बार भी ज़रूर मांगेंगे इसको। अब इसमें हम एक ऐसे स्लिट रेडी कर देंगे बीच में से, नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा एक इसमें स्लिट कर देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर ऐड कर देंगे,
जिससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और इसे अच्छे से इसमें ये मैंने स्लिट किया है उसके अंदर से ही मैं ये बटर डालूंगी, तो बटर पूरा अंदर तक अच्छे से चला जाएगा सारे में। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ डाल के इसको कुक कर सकते हो तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा। मैं चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना है, बट हाँ वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके अगर वो पिज़्ज़ा के लिए ज़िद करते हैं तो ये पिज़्ज़ा काफ़ी हेल्दी है और इसको आप खिला सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल के। अब फिर से हम इसको 1 मिनट छोड़ देंगे और फिर हम चेक करेंगे। 1 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे मूंगलेट का क्या हाल है। वाओ, अब देख सकते हो जो बटर था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है और अगर हम देखेंगे इसको साइड से ही थोड़ा सा देख लेंगे तो ये दूसरी साइड पे भी ऐसा गोल्डन कलर आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखते हो ऐसा गोल्डन कलर हो गया है एंड क्रिस्पी हेल्दी टेस्टी मूंगलेट रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में सर्व करिए और चाहे तो इसको डिनर में सर्व करिए और आई एम श्योर कि आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।